फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम लर्निंग मार्केट विद कोहनूर ट्रेडर। दोस्तों आज हम 100 डेज चैलेंज की फोर्थ वीडियो में सीखेंगे एक बेहतरीन सेटअप जिसके माध्यम से हम इन्वेस्टिंग करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे और हम अपने पैसे को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो यदि आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है या फिर आप बिगनर्स हैं तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टिंग करना है और स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान देना है, ना कि आपको जाके इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट होता है वहाँ से जो प्रॉफिट का पैसा है उसे आपको यूज़ करना है इंट्राडे ट्रेडिंग में और ऑप्शन ट्रेडिंग में। किस तरह से 2000 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा सेम सेटअप के माध्यम से। तो दोस्तों यदि आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, एक परफेक्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऐसा मेंटर होना चाहिए, एक ऐसा टीचर होना चाहिए जो आपको सही दिशा में गाइड कर सके कि कब क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास अच्छे मेंटर रहेंगे, अच्छे टीचर रहेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं एज अ ट्रेडर। जैसा कि हम अन्य सब्जेक्ट में भी देखते हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो कोई भी विभाग हो, जब तक हमें एक अच्छा टीचर नहीं मिलता, हमें एक अच्छा मेंटर नहीं मिलता है कोई भी बिजनेस हो, तब तक हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो आपको भी क्या चाहिए कि एक ऐसा मेंटर चाहिए जो आपको सही दिशा में गाइड कर सके, आपको सलाह दे सके और आपकी ट्रेडिंग लाइफ में जो है आपको सिखा सके और आप धीरे धीरे ग्रो कर सके। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे एक बेहतरीन सेटअप जिसका हम उपयोग करेंगे इन्वेस्टिंग में, वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह से इन्वेस्टिंग की जाती है, टाइम साइकिल को निकाल के ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एक बेहतरीन सेटअप और इसी सेटअप का एक स्कैनर आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसके माध्यम से आपको स्टॉक भी मिलेंगे इन्वेस्टिंग के लिए और उन स्टॉकों में कैसे इन्वेस्टिंग की जाती है वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, कौन सा इंडिकेटर लगाना है, पैराबोलिक एसआर। ठीक है, तो पैराबोलिक एसआर हमें लेना है, यहाँ पे एसआर लिखा हुआ है लेकिन इसका पूरा नाम है पैराबोलिक एसआर, जिसकी सेटिंग है हमें स्टार्ट में क्या करना है 0.05 करना है। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट में क्या करना है 0.01 करना है और मैक्सिमम में हमें क्या करना है 0.2 करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट को क्लिक करके सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देना है तो ये हमारे चार्ट के ऊपर सेव हो जाएगा। दूसरा हमारा इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। ठीक है, पहला हमारा ये सुपर ट्रेंड है, लेंथ हमें इसकी 2 करनी है, फैक्टर हमें 1.2 करना है। ठीक है, और स्टाइल में आप जाके कलर ये चेंज कर सकते हैं, उसके बाद हमें इसको क्या करना है सेव कर देना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा इंडिकेटर है वो है, वो भी सुपर ट्रेंड का ही है, जिसकी लेंथ हमें क्या करनी है 2 करनी है, फैक्टर हमें क्या करना है, फैक्टर हमें क्या करना है 2.3 कर देना है और स्टाइल में जाके आप कलर अपना चेंज कर सकते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है इसको सेव कर लेना है, ओके कर देना है। ठीक, फिर हमारा तीसरा इंडिकेटर है, तीसरा इंडिकेटर भी हमारा सुपर ट्रेंड है जिसका लेंथ 2 रहेगा और फैक्टर 2.3 है, तो यहाँ पे 2.3 है, इसको हमें सेव कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो विप्रो का चार्ट है वो जो हमारा लास्ट सुपर ट्रेंड है, ठीक है, ये जो हमारा लास्ट सुपर ट्रेंड है तो यहाँ पे क्या होता है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो जो लेंथ 2 है और फैक्टर 1.3 है, तो दोस्तों ये हमारा जो तीसरा सुपर ट्रेंड है जिसकी लेंथ 2 है और फैक्टर 3.3 है। ठीक है, ये सुपर ट्रेंड हमें ये बताएगा कि कोई भी स्टॉक सपोर्ट कहाँ पे लेता है। ठीक है, जैसे जो विप्रो कंपनी है वो सपोर्ट कहाँ पे आके लेती है, 3.3 पे लेता है। कोई स्टॉक ऐसा होगा जो सपोर्ट लेगा 5.3 पे, कोई स्टॉक ऐसे होंगे जो 6.3 पे सपोर्ट लेते हैं, कोई स्टॉक ऐसे होंगे जो सुपर ट्रेंड पे 7.3 पे सपोर्ट लेते हैं, 8.3 पे सपोर्ट लेते हैं, तो हमें ऐसे भी स्टॉक देखने को मिलते हैं। तो जो तीसरा सुपर ट्रेंड है ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, जिस स्टॉक में जैसा काम करेगा वहाँ पर हमें वैसा लगा देना है और इसको हमें सेव कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा एक चौथा इंडिकेटर है चोप जोन। ठीक है, तो ये आपको लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये सारे कलर आपको चेंज करने पड़ेंगे, ये डिफरेंट कलर का रहेगा, तो यहाँ पे आप प्लस पॉइंट पे जाएंगे, प्लस पॉइंट में यहाँ पे आप ये कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम को ग्रीन करना है, तो हमने यहाँ पे ये ग्रीन लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, ये सारे येल्लो कलर के हैं तो यहाँ पर जो रेड है उसके बाद एक रेड है, बाकी ये सारे आपको क्या कर देने हैं डिफरेंट कलर के होंगे, तो आपको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने रीसेट कर दिया, इसका ओरिजिनल कलर आ गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, प्लस की बटन दबानी है और ये हिस्टोग्राम को क्या करना है, ग्रीन कर देना है। ठीक, तो ये आपका ग्रीन हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो
कलर वन है इसको सेम रहने देना है, कलर टू को क्या करना है इसको येल्लो कलर का कर देना है। ये हमें सिग्नल बताएगा कि मार्केट क्या कर रही है, अब जाएगी कि डाउन जाएगी। ठीक है, जब भी ये हमारी येल्लो कलर की कैंडल बनेगी इसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा वहाँ पे हम पोजीशन अपनी बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये क्या है, कलर फोर है रेड है, और कलर एट क्या है येल्लो कलर का है, इसको हम येल्लो कलर कर देंगे। ठीक, और कलर सेवन को भी हमें क्या करना है येल्लो कलर का करना है, और कलर सिक्स को हमें छोड़ देना, तो दो इधर हो गए ऊपर और दो इधर हो गए, तो ये हमारे कलर हो गए। तो ये हिस्टोग्राम हमें क्या बताएगा कि किस तरह से हम ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अब दोस्तों हमें इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, पहले हमें क्या करना है, ये तीसरा जो सुपर ट्रेंड है इसको हमें हाइड कर देना है, ये हमारा केवल सपोर्ट का काम करेगा। ठीक, अब ये दोस्तों हमारा सेटअप लग गया। अब किसी भी स्टॉक में हमें इन्वेस्टिंग कैसे करना है, ये जो चार्ट है हमारा विप्रो का चार्ट है, तो दोस्तों ये हमारा विप्रो का चार्ट है। ठीक है, विप्रो का चार्ट है, यहाँ पे हमारा जो पहला सुपर ट्रेंड है जिसकी लेंथ 2 है और फैक्टर 1.2 है, और जो दूसरा सुपर ट्रेंड है 2 है, ठीक है, 2 लेंथ इसकी 2 है और फैक्टर क्या है 2.3 है, तो ये दोनों हमें ऑन करके रखना है, प्रॉफिट भी हमें इसी के ऊपर बुक करना है, और सपोर्ट हम किस तरह से देखते हैं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, पहले सुपर ट्रेंड ने 1.2 वाले ने क्या किया 2.3 वाले को क्रॉस कर दिया, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर जब इसका क्रॉस ओवर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में क्या है ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, उससे पहले हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमारा हिस्टोग्राम पहले क्या था, पहले हमारा हिस्टोग्राम क्या था रेड था। ठीक, हमारा सुपर ट्रेंड भी डाउन साइड में जा रहा था और हमें क्या मिला, एक ये येल्लो कलर का सिग्नल मिला। ठीक है, हिस्टोग्राम में येल्लो कलर का मिला, फिर उसके बाद ये ग्रीन मिला, फिर ये रेड मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हमें येल्लो कलर का ये कैंडल मिला। ठीक, तो जब भी हमें येल्लो कलर का कैंडल मिलेगा उसके लो को हमें क्या कर देना है, मार कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पहला सुपर ट्रेंड भी हमारा क्या बन गया, पहला सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन बन गया और उसके बाद इसने ये क्रॉस ओवर कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें दोस्तों इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, जब भी हमारा ये सिग्नल मिलेगा तो हमें वेट करना है, अगर यहाँ पे ये हमारा सिग्नल कैंडल बन गया यानी कि जब दोनों क्रॉस ओवर कर देंगे तो उसके बाद अगर हमें एक रेड कैंडल मिलता है तो वो हमारे लिए बेस्ट होता है। ठीक, तो जो भी स्कैनर में हमारे स्टॉक आएंगे जब भी हमारा ये हमें सिग्नल मिलता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, केवल एक स्टॉक को बाई करना है। ठीक, एक स्टॉक को हम बाई कर लेंगे, उसके बाद अगर उसी रेंज में हमें क्या मिलेगा, एक रेड कैंडल मिलता है। ठीक है, तो रेड कैंडल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेलर आ गए हैं और वो ट्राई करेंगे कि ये जो हमारा सिग्नल कैंडल है येल्लो कलर का कैंडल है इसके नीचे मार्केट को ले जाने के लिए। ठीक है, यानी कि विप्रो का चार्ट को अगर 186 के नीचे आ जाता तो फिर ये डाउन ट्रेंड में चला जाता, रेड कैंडल मिली एक हफ्ते के लिए लेकिन ये इसके नीचे नहीं ला पाए। ठीक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लो को भी हम मार कर लेंगे। ये लो इसका क्या हो गया, सपोर्ट का काम करेगा, और इसके हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट की प्राइस जाएगी, ठीक है, इसके हाई के ऊपर क्या करेगी, जैसे ही मार्केट की प्राइस जाएगी वहाँ पे हमें बाई करना है, या फिर आप अपने पैसे को 3 भागों में स्प्लिट कर सकते हैं। आपने एक शेयर यहाँ पे बाई किया है, आपको वेट करना है, उसके बाद जैसे ये रेड कैंडल बनती है, एक हफ्ते और ग्रीन कैंडल बनी तो आपको 30 क्वांटिटी बाई करना है, तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे, या फिर आप 29 क्वांटिटी को आपको बाई करना है तो टोटल आपके पास 30 की संख्या हो जाएंगी। इसका लो ब्रेक होता है तो आपको एग्जिट कर देना है। ठीक, यानी कि एक शेयर आपको छोड़ना है, बाकी का प्राइस क्या करना है, आपको एग्जिट कर देना है, यानी कि आपको अपना स्टॉप लॉस ले लेना है। और जैसे ही मार्केट की प्राइस कोई भी कैंडल इसके हाई के ऊपर क्रॉस करता है तो आपको 30 क्वांटिटी और ऐड करना है, तो टोटल आपके पास कितनी हो जाएंगी, 60। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, टोटल आपके पास क्या हो गया, 60 क्वांटिटी हो गई, और फिर आपको वेट करना है, आपके पास 60 क्वांटिटी, फिर आपको वेट करना है कि कोई भी रेड कैंडल एक मिले। ठीक है, तो रेड कैंडल मिलेगी तो वो कहाँ पे आके सपोर्ट लेगी, जो हमारा सुपर ट्रेंड है 1.2 वाला, उसके पास ये आके क्या करेगी, सपोर्ट लेगी और फिर उसके बाद अप ट्रेंड में जाएगी। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, जो रेड कैंडल है उसका हमें रेंज मार कर लेना है। ठीक दोस्तों, कॉपी और पेन लेके लिख लीजिए, एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ सेटअप पे, जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक, जो आपका लास्ट ग्रीन कैंडल है, अगर उसका उसके लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देगी तो फिर ये नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा लास्ट ग्रीन कैंडल है यहाँ पे 1 2 3 4 रेड कैंडल बनी,
लेकिन उसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। तो उसके बाद जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनता है या फिर जैसे ही ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तो हमारे क्या थे, हमें 100 अगर शेयर बाई करना है तो हमने क्या किया, पहली क्वांटिटी यहाँ पे हमने एक शेयर को बाई किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, जब ये रेड कैंडल बना उसके बाद एक हफ्ते और बीत गए, एक हफ्ते बीतने के बाद हमने क्या किया, एक हफ्ते और निकल गए तो यहाँ पे ग्रीन बना हुआ, तो हम 30 क्वांटिटी और ऐड कर लेंगे, यानी कि 29 ऐड करेंगे, तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी हो गई, 30 हो गई। जैसे ही इस कैंडल के ऊपर डे टाइम फ्रेम में कोई कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी 30 क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास 60 हो गया। फिर उसके बाद हम वेट करेंगे कि कोई भी रेड कैंडल बने, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे एक रेड कैंडल बने या 4 रेड कैंडल यहाँ पे बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही लास्ट ग्रीन कैंडल है उसका हम लो मार्क कर लेंगे, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर से मार्केट अप जाएगी। अब जैसे ही इस ग्रीन कैंडल रेड, ये जो रेड कैंडल का रेंज है इसके ऊपर डे टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है तो वहाँ पे हमें 40 क्वांटिटी और ऐड कर देना है। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गई, 100 क्वांटिटी हो गई प्रॉफिट में। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा अपना यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करके ये जो रेड कैंडल का रेंज बना है इसके लो के नीचे, यानी कि 265 का हमारा स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ पे हमारी फुल क्वांटिटी बाई हो गई, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है कि फिर से हमें रेड कैंडल मिला, ये ग्रीन कैंडल, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है ये रेड कैंडल के नीचे। फिर से एक हफ्ते बड़े ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको क्या करना है, ये ग्रीन कैंडल के लो के नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है। और उसके बाद अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है डे टाइम फ्रेम पे तो हमें अपने प्रॉफिट को बुक करना है, ठीक है। तो अभी हम प्रॉफिट भी बुक करना सीखेंगे। अब हमने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, यानी कि अब हमें 100 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब हम वेट करेंगे, यहाँ पे हमारा एक सुपर ट्रेंड क्या हो गया, रेड बन गया। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी, हमारी एंट्री हुई थी लगभग 229 रुपये के आसपास, ठीक है। तो जब हमारा ये एक सुपर ट्रेंड रेड बनेगा तो यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी को बुक कर लेंगे, यानी कि जो हमने हार्ड इन कैश मनी लगाई है वहाँ पे हम 50 शेयर का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बाकी का हम छोड़ देंगे। बाकी का हम प्रॉफिट कब बुक करेंगे, जब सुपर ट्रेंड 1.2 और 2.3 का जो है क्रॉस ओवर होगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे भी बने रहेंगे और लास्ट में यहाँ पे जब क्रॉस ओवर होता है तो हमें क्या करना है, पूरी क्वांटिटी बुक कर लेना है और एक शेयर को हमें छोड़ देना है, ठीक है। यानी कि 671 के आसपास हमारा क्या होगा, 671 या फिर 635 के आसपास हमारी फुल क्वांटिटी बुक हो गई और हमने विप्रो में एक शेयर हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो हमारी रैली कहाँ से शुरू हुई थी विप्रो में, हमारी जो रैली है विप्रो में शुरू हुई थी लगभग 225 के आसपास से। तो हमने ये सीखा कि हमें किस तरह से स्टॉक में अपनी पोजीशन धीरे धीरे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमारा सेटअप बनता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 1 क्वांटिटी को बाई करना है, उसके बाद हमें एक रेड कैंडल का वेट करना है। हमारा पहला सुपर ट्रेंड ग्रीन बनेगा तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है तो हमें एक शेयर को बाई करके छोड़ देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें वेट करना है, हमारा दोनों सुपर ट्रेंड ग्रीन है और उसके बाद क्या होगा कि एक हमें रेड कैंडल मिल जाए, ठीक है। इसी रेंज में अगर एक रेड कैंडल मिलती है तो उसके बाद एक हफ्ते ये ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद हम 29 क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, 30 शेयर हो गए हमारे पास। उसके बाद जैसे ही डे टाइम फ्रेम पे इस रेड कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग देती है डे टाइम फ्रेम पे, हम 30 क्वांटिटी और ऐड कर देंगे। और उसके बाद जब भी कोई एक, फिर उसके बाद हमें वेट करना है कि कोई रेड कैंडल बने, ठीक। तो ये दोस्तों कॉपी और पेन लेके लिख लीजिएगा, ये कोहनूर पॉइंट है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल जैसे बनना शुरू हो जाती है तो लास्ट कैंडल का लो आपको मार करके रख देना है। अगर उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है डे टाइम फ्रेम पे तो आपको क्या करना है, 50% प्रॉफिट को बुक कर लेना है। नहीं तो आपको क्या करना है, नहीं क्लोजिंग दे रही है तो आपको वेट करना है। फिर आपको क्या करना है, तीसरा सुपर ट्रेंड आपको ऑन कर देना है, ठीक है। तीसरा सुपर ट्रेंड ऑन कर देना है और बाकी ये ड्राइंग जो है वो हम हटा देते हैं, ठीक। तो ड्राइंग का हमारा ज़्यादा काम नहीं है, केवल शुरू में ही काम है। और उसके बाद जो विप्रो का चार्ट है, जो विप्रो का शेयर है वो जो सपोर्ट लेता है कहाँ पे लेता है, सुपर ट्रेंड टू लेंथ टू और फैक्टर 3.3 के पास सपोर्ट लेता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें ये सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। यहाँ से मार्केट की प्राइस ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आता है, ठीक है। फिर से इसमें एक अप ट्रेंड आता है, ठीक है। हमारे तीनों सुपर ट्रेंड क्या हो गए, यहाँ पर फिर से सब बनता है पोजीशन, ये दोनों सुपर ट्रेंड ग्रीन बने, ये हमें रेड कैंडल मिल जाती है, रेड कैंडल
3 हफ्ते बंद थी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से हम 29 क्वांटिटी बाई कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये रेड कैंडल बना, फिर इसके ऊपर जाता है, तो फिर हम और 30 क्वांटिटी ऐड करेंगे। और आपको इस पर डरना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ तो आप सेल कर सकते हैं, नेट टू नेट में आपका एग्जिट होगा। और उसके बाद ये सपोर्ट कहाँ पे लेगा, ठीक है। ये सपोर्ट विप्रो कंपनी जो सपोर्ट लेती है वो लेती है सुपर ट्रेंड 2 लेंथ 2 और फैक्टर 3.3। यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया है तो फिर आपको वेट करना है कि ये एक रेंज बना के सपोर्ट लेने कहाँ पर आएगा। सपोर्ट लेने आएगा सुपर ट्रेंड, लास्ट वाला हमारा जो सुपर ट्रेंड है तीसरा, लेंथ 2 फैक्टर 3.3 पे ये सपोर्ट लेगा और यहीं से ये ऊपर फिर निकल जाएगा। तो हमें क्या देखना है दोस्तों, पैराबोलिक SR का मैंने आपको नहीं बताया किस तरह से यूज़ करना है। तो स्टार्ट इसका क्या होगा, 0.05 का है, इंक्रीमेंट 0.01 का है, मैक्सिमम क्या करना है 0.2 कर देना है। और इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको ब्लैक कर देना है, ठीक है। स्टाइल में जाके यहाँ पर इसकी कलर को आपको ब्लैक करना है और ये सर्किल में जाके आपको क्या करना है, लास्ट में सर्किल को टच कर देना है, उसके बाद सेव कर देना है। तो हमें पोजीशन इसके हिसाब से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, इसने सपोर्ट लिया और तीसरे सुपर ट्रेंड पे हमारा सपोर्ट लिया, और जैसे ही पैराबोलिक ये डाउन आया, यहाँ पे हम अगर मैं फुल क्वांटिटी बाई करना है तो जैसे ही ये पैराबोलिक हमारा क्या आएगा, डाउन में आएगा, जिस वीक में ये डाउन में आएगा उसका लो हमारा ये स्टॉप है। तो यहाँ पे हमें एक बाई नहीं करना, यहाँ पे हमें फुल क्वांटिटी बाई करनी है, ठीक है। हमारा ये स्टॉप लॉस हो गया और इसके ऊपर हम बने रहेंगे, ठीक है। जो भी रेड कैंडल बनेगी उसके लो के नीचे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे, ठीक। यहाँ पे बना तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ये ट्रेल कर लेंगे, ठीक, इस तरह से। फिर ये हमारा जो ग्रीन कैंडल है ये हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 रेड कैंडल का वेट करना है। अगर 5वीं रेड कैंडल बन रही तो आपको अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है, एक स्टॉक को छोड़ देना है। अभी फिर से आके सपोर्ट कहाँ लेगा, फिर से आके सपोर्ट इसने यहीं पे लिया, ठीक, जो हमारा सुपर ट्रेंड है 3.3 वाला फैक्टर, वहाँ पर आके इसने फिर सपोर्ट लिया। आपको पता है कि ये यहाँ विप्रो यहाँ पर आके सपोर्ट लेता है, यहाँ पर आप बाई करिए, फिर से ये अपसाइड में गया, ठीक। तो इस तरह से ही आप साइड में जा रहा। तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम एक चार्टिंग के ऊपर हमें एक स्कैनर बनाना है, ठीक है, और उसी की सहायता से हमें क्या करना है, स्टॉक को आइडेंटिफाई करना। तो दोस्तों ये हमारा स्कैनर है, कोहनूर आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग सुपर ट्रेंड के माध्यम से हम किस तरह से कर सकते हैं, आइए इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हमें कौन से स्टॉक आज बाइंग के लिए मिले हैं, ठीक है। तो उनका हम चार्ट भी देखेंगे किस तरह से हमें कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्टिंग करनी है और कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास कितने स्टॉक आए हैं इन्वेस्टिंग के लिए, 5 स्टॉक आएंगे, ठीक है। तो पहला स्टॉक का नाम क्या है, शाह पॉलीमर लिमिटेड कंपनी है। दूसरा हमारा स्टॉक का नाम क्या है, माधव टॉप लिमिटेड है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा स्टॉक है, यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 स्टॉक है, जिसमें से एक लास्ट वाला क्या है, जीरोधा गोल्ड ETF है, ठीक है। तो ETF में हमें इन्वेस्टिंग करनी नहीं है। तो आइए देखते हैं इनके चार्ट पे कि हमें किस तरह से कोई भी स्टॉक हमें इन्वेस्टिंग के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक। तो आइए हम इनके चार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी इस 5 स्टॉक को क्या किया है, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा सुपर ट्रेंड का इन्वेस्टिंग का वॉच लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे क्या हैं, सारे ये इन्वेस्टिंग के स्टॉक हैं, ठीक। तो ये पहले से भी आते रहे तो इनकी हम एक लिस्ट बना ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, गोल्ड, ये हमारा ETF का है, ठीक है। तो ETF में भी हम लोग चल के देख लेते हैं क्या इसमें सिनेरियो है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, इसमें इन्वेस्टिंग के लिए इसे बता रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपनी कंडीशन को फॉलो करना है और बाकी प्रॉफिट देने का काम किसका है, मार्केट का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टिंग के लिए बता रहा है ये, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर इन्वेस्टिंग के लिए बता रहा है। तो अगर हम इसमें ETF भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक हमें ये रेड कैंडल मिल भी गया है, तो यहाँ पे हम इसका एक शेयर बाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस रेड कैंडल का हाई मार कर देना है। अगर हम इसमें इन्वेस्टिंग करेंगे तो इसके एक शेयर हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं ETF का। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर जब मार्केट की प्राइस एक हफ्ते, एक वीक क्या होगी,
इसी रेंज में ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद जब दूसरी ग्रीन कैंडल बनने लगेगी तो वहाँ पे हम 29 बाई करेंगे। उसके बाद जब इसके ऊपर डे टाइम फ्रेम पे क्लोज़ करेगा तो हम क्या करेंगे 30 बाई करेंगे। फिर उसके बाद रेड कैंडल का जब रेंज मिलेगा तो 40 हम और बाई करेंगे। ठीक है, तो ये ETF का है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, दूसरा चार्ट देखते हैं। दूसरा हमारा चार्ट किसका है, गोल्ड कैश का है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देख लिया। CUB का चार्ट हम लोग देखते हैं, 170 का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो स्टॉक टॉप से डाउन में गिरे होंगे, यानी कि नीचे से बाइंग आएगी जिसमें, वहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिंग करेंगे, और जिसमें अपसाइड से आएगी तो वहाँ पे हम इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक, तो ये लगभग क्या है, इसका हमें टॉप देखना है कि इसने क्या मारा है। ठीक है, इसके पीछे का टॉप क्या है। ये दोस्तों हमारे लिए बेहतरीन स्टॉक है, इसमें हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसका हाई क्या है, 249 रुपये का। ठीक, 249 रुपये का है और 173 का है। तो यानी कि ये दो टारगेट हैं, यहाँ पे मार्केट की प्राइस जा सकती है। ठीक, वीकली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे ये सुपर ट्रेंड का क्या है, ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग के लिए सही है। ठीक है, तो इसमें हमें जो तीसरा हमारा सुपर ट्रेंड है उसकी सेटिंग हमें चेंज करना है। ठीक, वो इसलिए चेंज करना है क्योंकि विप्रो जो है वो कहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, सुपर ट्रेंड का, सुपर ट्रेंड का 3.3 पे सपोर्ट ले रहा था, लेकिन ये 3.3 पे सपोर्ट नहीं ले रहा। ठीक है, तो इसका सपोर्ट होगा 5.3 पे होगा, तो ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये 5.3 पे इसने सपोर्ट लिया है। ठीक, तो जब भी इसकी प्राइस क्या होती है, सुपर ट्रेंड के जो फैक्टर है वो 5.3 के पास आता है, तो वहाँ से एक ये अप मूव मारता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिला है, और इसको भी अगर हम और देखेंगे तो अभी भी इसका ये सही निकल के नहीं आया सपोर्ट। ठीक है, तो हमें इसकी लेंथ को और बढ़ाना है। ठीक है, 7.3 करना है, यानी कि सुपर ट्रेंड की जो लेंथ है, लास्ट जो बढ़ाने की मूव है वो क्या है, 10.3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 7.3 पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट 7.3 पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे अपसाइड गया। ठीक, फिर से आया 7.3 पे सपोर्ट लिया, ठीक, फिर से यहाँ एक अपसाइड का मूव बनाया। ठीक है, 7.3 का है, और यहाँ का भी हम कैसे निकाल सकते हैं, 8 कर देंगे हम, 8 में आ गया। ठीक, तो ये इसका जो है क्या है, भी ये अप ट्रेंड चल रहा। ठीक है, इस स्टॉक का अप ट्रेंड चल रहा, और ये सपोर्ट कहाँ पे लेता है, लगभग सुपर ट्रेंड का टू, इस सुपर जो स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक का नाम क्या है हम लोग देखते हैं, CUB। ठीक है, ये कहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है सुपर ट्रेंड का, सुपर ट्रेंड का ये सपोर्ट लेता है 8.3 पे। ठीक है, या फिर 7.3 पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक, 7.3 पे सपोर्ट ले रहा है, और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो कहाँ पे था, 8.3 पे। ठीक है, तो इसका ये अप ट्रेंड भी चल रहा है, और ये हमारे लिए इसका सपोर्ट निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे आप लोग भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमें इन्वेस्टिंग करनी है, जैसे ये सपोर्ट लिया, यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, और जैसे ये हमारा एक ग्रीन कैंडल मिला, दोनों सुपर ट्रेंड का क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ पे क्या करना है, इस ग्रीन कैंडल का हमें क्या करना है, लो मार्क कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक शेयर को बाई कर लेना है, और उसके बाद ये रेड कैंडल का हाई मार्क करना है। ठीक, रेड कैंडल का हाई मार्क करेंगे, उसके बाद ये आके इसने क्या किया, पहले सुपर ट्रेंड के पास आके सपोर्ट लिया। अब हमें वेट करना है कि पैराबोलिक एसआर डाउन कब आएगा। पैराबोलिक एसआर अपसाइड में गया है, इस कैंडल पैराबोलिक एसआर डाउन साइड में आया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यह पहला ये ग्रीन कैंडल बना, दूसरा ये ग्रीन कैंडल बना, तो 29 क्वांटिटी ऐड करेंगे। जैसे ये इसके ऊपर गया, हम क्या करेंगे, 30 क्वांटिटी को ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हमारे पास 60 क्वांटिटी हो गई। बाई कितना करना है, हमें 100 बाई करना है। फिर हमें क्या वेट करना है, एक रेड कैंडल का, यहाँ पे एक रेड कैंडल मिल गई। ठीक है, रेड कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा, हम 40 क्वांटिटी और ऐड करके आराम से बैठ जाएंगे, और ये जो रेड कैंडल है इसके लो के नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। यानी कि हम अगर एग्जिट भी होंगे तो हम प्रॉफिट में ही एग्जिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमें वेट करना है। यहाँ पे हमारा दोनों सुपर ट्रेंड रेड बना, तो हमें क्या करना है,
हमें वन शेयर को छोड़ देना है, बाकी सारे में क्या करना है, प्रॉफिट को बुक कर लेना है। फिर से हमें आराम से इसमें बैठना है, ये सारी लाइनें डिलीट कर देनी है। अब हमें ये पता है कि ये आके सपोर्ट कहाँ पे लेगा, जो हमारा सुपर ट्रेंड है, ठीक है, लेंथ टू फैक्टर 8.3 का, उसी के पास आके सपोर्ट लेगा, तो हमें वहीं पे आके अपनी क्वांटिटी को ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे ही ये इसको टच करेगा, इसके पास में आएगा, हमारा सेटअप बनेगा, यहाँ रेड कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे आपने 20 क्वांटिटी ऐड किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रही क्योंकि आप फुल क्वांटिटी आपकी ऐड नहीं हुई। फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल बना, 29 क्वांटिटी ऐड किया यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे, बाकी फिर आपने इसके ऊपर ऐड किया और रेड कैंडल, फिर फुल क्वांटिटी, उसके बाद यहाँ पे 50% एक हमारा अगर रेड बनेगा तो 50% क्वांटिटी, दोनों रेड बनेगा तो फुल क्वांटिटी एग्जिट, ठीक है। तो अभी इसमें यही सारी चीज़ें चल रही हैं, आगे चल के इसका जो टारगेट है वो 200 का है और 249 का। इससे पहले अगर इन्वेस्टिंग के लिए हमें क्या देखना है, आप लास्ट के 3 वीडियो देखिए, वहाँ पे किस तरह से हम फंडामेंटल को एनालिसिस करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसका CUB का चार्ट देखा, अभी हमें नेक्स्ट स्टॉक इसमें हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चार्ट हम ये देखना चाहते हैं कि एक हमें स्टॉक मिल जाए जिसमें हम इन्वेस्टिंग हमें नहीं करनी है, ठीक है, यानी कि अगर वो टॉप पे होगा अपने तो हमें इन्वेस्टिंग नहीं करनी है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी चार्ट हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें भी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि SCM मार्क में भी क्या है कि इसका एक अपसाइड का हाई है, ठीक है, 145 का हाई है अपसाइड का, और उसके बाद ये स्टॉक आया है और यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाई का दिया है, तो हमें क्या करना है, एक शेयर को बाई करना है। हमें इससे पहले क्या करना है, इन्वेस्टिंग से पहले हमें क्या करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है। आप पीछे की 3 वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एक शेयर को बाई कर लेना है और डे टाइम फ्रेम पे क्या है कि इसकी जो रेड कैंडल की बॉडी है इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग देता है या फिर इसी रेंज में कोई एक ग्रीन कैंडल बनता है तो दूसरी ग्रीन कैंडल पर हम 29 क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, अपसाइड में देखना है, ठीक है। तो इसका हम लोग साइकिल भी निकाल के इन्वेस्टिंग करेंगे, किस तरह से वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ये इसमें भी हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं MCL, ठीक है। तो हमारा ये 1, 2, 3, 4 आज का ये चौथा स्टॉक है। अब दोस्तों ये MCL का स्टॉक है, यहाँ पे इसका जो हाई है वो क्या है, 140 का है, फिर 114 का है, फिर 50 का है, ठीक है। अगर इस स्टॉक में क्या है कि अगर अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो सारे अच्छे हैं, अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टिंग करेंगे तो हमारे लिए अपसाइड के ये सारे टारगेट ओपन होंगे। अगर ये 50 को क्रॉस करता है तो फिर ये 100 पार करके 140 तक जाएगा, तो ये भी स्टॉक हमारे लिए इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है। केवल इसका हमें फंडामेंटल चेक करना है और FIs और DIs की एंट्री हमें चेक करनी है, यानी कि जब FIs और DIs एंट्री करते हैं उस स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे तो वहाँ पे हमारा पैसा फास्ट ग्रो करने के लिए सही होता है। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं पांचवें स्टॉक में हमें ऐड करना है कि नहीं। अभी थोड़ा सा जिन चला तो अब दोस्तों ये हमारा पांचवा स्टॉक है, ठीक है। तो इस पांचवें स्टॉक में भी इसका टॉप क्या है, 143 का है, तो ये भी हमारे लिए इन्वेस्टिंग के लिए सही है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल का हमें क्या करना है, लो मार्क कर लेना है, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल का लो मार्क कर लेना है, हमें एक स्टॉक को बाई कर लेना है। यहाँ पर अगर कोई भी रेड कैंडल हमें मिल जाती है तो हमारे लिए बेस्ट होता है, और उसके हाई के ऊपर हमें और क्वान्टिटी ऐड करनी है और लो का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारे लिए क्या है कि 4 स्टॉक मिले और एक ETF मिला जिसमें हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग करने से पहले हमें कंपनी का फंडामेंटल ज़रूर देखना है। अगर हमारे ये पांचों स्टॉक क्या है इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी कंपनी फंडामेंटल अच्छी हुई, यहाँ पे FIs और DIs की पोजीशन बन रही है और वो कंपनी फंडामेंटल भी अच्छी है, तो वहाँ पर फिर हम इन्वेस्टिंग
के लिए यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टॉक क्या करेगा, 133 के पास जाएगा और वहाँ से अगर अपसाइड में जाता है तो हमें बड़े प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमने विप्रो में देखा 200 से 600 700 तक गया। उसी तरह से हमें क्या करना है, स्टॉक में अपनी पोजीशन बनानी है, बाकी हमें सेटअप के ऊपर छोड़ देना है और सेटअप के अनुसार हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट को बुक करना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे ये येलो कलर की कैंडल है, इसने यहाँ पर बता दिया कि क्या है, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। ठीक है, और हमारा पैराबोलिक एसआर ने हमें क्या बता दिया था यहाँ पे, यानी कि 2 सितंबर को ही बता दिया था कि ये अब ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक, तो अब ट्रेंड में जाने वाला है, 2 सितंबर को हमें पता चल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेड कैंडल बनी तो हम एक स्टॉक को बाई करके छोड़ सकते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर हमारा सेटअप पूरा एक्टिवेट हो गया है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 29 क्वान्टिटी को ऐड करना है। तो 29 क्वान्टिटी को कैसे ऐड करना है, हम यहाँ पर डे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। अगर हमें कोई भी रेड कैंडल मिलती है तो हमारे लिए बेहतरीन होगा। ठीक, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, ये हमारे लिए एक रेड कैंडल बन गई, इसका हाई ब्रेक होती है हमें क्या करना है, 99 का 29 क्वांटिटी ऐड करनी थी। ठीक, तो यहाँ पे हम 29 क्वांटिटी के साथ यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, रेड कैंडल का लो 94.42 का, यानी कि 94 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है तो अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, एक शेयर को छोड़ देंगे, बाकी हम पोजीशन बना के बैठेंगे, हमारा 133 का टारगेट है। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों हमें इन्वेस्टिंग करनी है। अगर कौन से स्टॉक को हमें नहीं बाई करना है वो भी हम बता देते हैं, क्योंकि आज हमारा कोई भी स्टॉक ऐसा निकल के नहीं आया कि जिसमें हमें इन्वेस्टिंग नहीं करना था, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों रेड हुए और यहीं पर फिर से इसने बाई के लिए दिया, यानी कि टॉप के आसपास हमें अगर बाइंग मिलेगी तो हमें नहीं करनी है। ठीक है, स्टॉक को क्या होना चाहिए, डाउन साइड में आना चाहिए कम से कम 2 से 3 महीने। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 3 महीने का एक डाउन ट्रेंड था, 6 महीने के लगभग है डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर डाउन ट्रेंड देखेंगे तो कब से हो गया है शुरू, इसमें जनवरी से। ठीक, जनवरी के बाद अब इसमें एक अपसाइड का मूव दे रहा है, तो इसका टारगेट 133 का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे।